सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सिर्फ नोटबंदी के प्रक्रिया पर है, परिणाम पर नहीं। अगर माफी मांगनी है किसी को, प्रधानमंत्री को मांगनी है, क्योंकि 8 नवंबर 2016 को जो उन्होंने तुगलकी निर्णय लिया, लाखों एमएसएमई का विनाश हुआ, इनफॉर्मल सेक्टर का विनाश हुआ, लाखों परिवारों की रोजगार गई और हमारे अर्थव्यवस्था पर जो नकारात्मक असर हुआ आज भी हम भुगत रहे हैं। अगर माफी मांगनी है सो कॉल्ड फादर ऑफ न्यू इंडिया को मांगना है। नोटबंदी के फैसले की प्रक्रिया को सही ठहराया है, फैसले पर कोई टिप्पणी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने नहीं की है। यह स्पष्ट फर्क हम लोगों के दिमाग में रहना चाहिए जो सुबह से चलाने की कोशिश की जा रही है सरकार द्वारा कि नोटबंदी जीत गई, नोटबंदी को सही ठहरा दिया गया माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, ये बिल्कुल गलत है। जिन 4 जजिस ने इस प्रक्रिया को भी सही ठहराया है उन तक ने इसके परिणाम पर कोई टिप्पणी नहीं की है, यह बात हमें स्पष्ट तौर पर समझ लेनी चाहिए। हमारी आपत्ति, इस देश की आपत्ति परिणाम पर थी कि नोटबंदी से हुआ क्या, इस देश को क्या हासिल हुआ। जो एमएसएमई सेक्टर है वो तबाह हो गया, लाखों लोगों की नौकरियां गई और लोगों को जो कई लोगों की मौतें भी हुई, तो जो मुसीबतें लोगों ने झेली और आज तक जो अर्थव्यवस्था लड़खड़ाई हुई है उस पर कोई टिप्पणी किसी भी जज ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आज के निर्णय में नहीं की गई है।